स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ हेल्पर्स। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लाइक दिस, वन पॉइंट इज देयर ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग लाइक दिस, वन बिल्डिंग इज देयर, इट्स हाइट इज 20 मीटर। इसके ऊपर आपको आपने क्या लगाया, ट्रांसमिशन टावर लाइक दिस, एक टॉवर है ट्रांसमिशन के लिए, और इस टॉवर के टॉप और बॉटम से ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये एंगल छोटा है, नेचुरली ये 45 होगा। मेन प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि कौन सा 45 लेना है, कौन सा 60 इस क्वेश्चन में। तो आपको देख लेना, ये छोटा बन रहा है एंगल 45 ले लेना, ये बड़ा बन रहा है तो ये 60 ले लेना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर सपोज एच ले लिया, इतना ये टावर है ना, हाइट ऑफ द टावर एच ले लिया। अब आपको टैन वाला फॉर्मूला लगाना है क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, क्योंकि बेस कॉमन है दोनों में। तो पहले तो इस ट्राइंगल्स को नेम दे दो कि ए बी सी दे दो या डी दे दो। पहले ले लो इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो पूरा एंगल है ए बी सी में, 1060 की वैल्यू है, परपेंडिकुलर है एच प्लस 20 ओवर बेस है बी सी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर ले लो इन ट्राइंगल स्मॉल वाला बी डी सी, इसमें 10 ऑफ 45 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर है 20, बेस है बी सी। यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी 10 45, 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 20 ओवर बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब पुट बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट, 1060 होता है √3, एच की वैल्यू एच रहने दो प्लस 20, क्योंकि एच आपको निकालना है, बी सी की वैल्यू 20 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच इधर ले आ जाएगा √3, इधर 20 इज इक्वल टू एच प्लस 20, एच इज इक्वल टू एच को इधर रहने दो, 20 को उधर ले जाओ, 20 √3 - 20, और लेंथ है इसलिए मीटर में आ जाएगा। थैंक यू।